दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत से हार के बाद भौंकलाए दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड्स अंतिम मुकाबले से पहले भारत के खिलाफ दे दिया सनसनी मचा देने वाला भड़काऊ बयान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को मिली जीत के बाद वेस्ट इंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा इसको जमकर खरी खोटी सुनाई और सारी हदें पार करते हुए भारत को भी नहीं बख्शते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप को भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड्स ने हार के बाद क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज लगभग समापन की तरफ है। आपको बता दें, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज को 178 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जहां पर वेस्ट इंडीज की तरफ से सिमरन हिटमायर ने 61 और होप ने 45 रन की पारी खेली। तो वहीं भारत की तरफ से रणदीप सिंह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट हासिल किए। हालांकि इसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 17 ओवर में 9 विकेट से जीत हासिल की, जहां यशस्वी जायसवाल ने 84 रन की नाबाद पारी खेली तो शुभमन गिल ने 77 रन का योगदान दिया। ऐसे में रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज की तरफ से इकलौते सफल गेंदबाज रहे। तो वहीं सीरीज बराबर हो जाने के बाद अब अंतिम मुकाबले अब से कुछ ही घंटे अंदर खेला जाने वाला है। ऐसे में इस मुकाबले से पहले वेस्ट इंडीज का दिग्गज ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से चौथे T20 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ना तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया, ना ही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में भारत की जीत के हीरो कई खिलाड़ी रहे, लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वास्तव में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों ने संतुलन के साथ प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारत को जीत मिली, लेकिन भारतीय टीम ज्यादा खुश ना हो क्योंकि सीरीज बराबरी पर है। ऐसे में अब अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलना है। ऐसे में भारतीय टीम हार के लिए तैयार है। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली, जिसमें जिसके हीरो 3-4 खिलाड़ी रहे, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को इस मुकाबले में बेशक जीत मिल गई हो, लेकिन अब अंतिम मुकाबला फाइनल मुकाबले के तौर पर खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम हारने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में जीत दर्ज की, लेकिन T20 की शुरुआत खराब तरीके से की। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ पलटवार करते हुए दिखाई देगी और भारत को पूरी तरीके से हरा दिया। भारतीय टीम को हार से बचकर रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को अंतिम मुकाबले में जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।